A very good morning to all of you. Today is 3rd May 2021, and the day is Monday. Today, we are going to start a new lesson that is Unit 4 Forces in Action. It's on page number 70 of your general science books. Okay, let's begin. The first topic is force. What is force? A force is a push or a pull. It can start a body moving, stop it from moving, and change its speed and its direction of motion. Forces exerted by muscles, machines, magnets, gravity, and in other ways. What does that mean? फ़ोर्स एक ऐसी ताकत है जो किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए रोकने के लिए उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए उसके मोशन उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है फोर्स डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल होती है आप अपने मसल्स के ज़रिए भी फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हो डिफ़रेंट मशीन्स के ज़रिए मैगनीट्स के जरिए ग्रेविटी और बहुत से मुख्तफ तरीक़ों से नाउ लुक एट दिस एग्ज़ाम्पल द बुलडोजर इज़ अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुश द अर्थ यहाँ पे बुलडोजर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन सी फोर्स मैकेनिकल फोर्स मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एंड अदर एग्जाम्पल इज़ द ट्रक इज़ अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुल द ट्रेलर यहाँ पे ट्रक ये ट्रैक्टर भी इस ट्रेलर को पुल कर रहा है और इसके लिए उसको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है लुक एट द पॉटर इज़ अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू द क्ले ये पॉटर है मिट्टी के बर्तन बना रहा है ये क्या कर रहा है ये कौन सी फोर्स यूज़ कर रहा है ही इज़ यूजिंग हिज मसल्स अपने मसल्स की ताकत को इस्तेमाल कर रहा है now how to measure force there are different instruments to measure different things so to measure force we use spring balance the unit of force is newton and is denoted by N theek hai har cheez ko measure karne ka ek unit होता है और force को मापे करने के लिए जो unit इस्तेमाल होता है उसको newton बोलते हैं और उसको N से denote किया जाता है now what is inertia an object will remain in motion or at rest unless it is acted upon by a force कोई भी चीज या तो चलती रहेगी या एक जगह पे रुकी रहेगी जब तक कि कोई और ताकत उस चीज़ को वहाँ पे वहाँ से हिला नहीं देती या उस पर एक्ट नहीं करती ठीक है लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल इफ़ यू पुट अ फुटबॉल डाउन इट विल स्टे देयर अनलेस समन किक्स इट और द विंड ब्लोज इट कोई फुटबॉल उसी जगह पे पड़ा रहेगा जब तक कि कोई आके कि उसको किक नहीं कर देता या वो हवा की वजह से अपनी जगह से नहीं मूव करता एन अदर एग्ज़ाम्पल

ईच अदर जब रो दो सर्विसेज एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं रब होती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ठीक है कोई भी दो चीज़ें जब आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं और रब करती हैं तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शन लुक एट दिस एग्जांपल, इफ़ यू रोल अ बॉल अक्रॉस अ टेबल वॉट वुड हैपन इट विल कंटिन्यू रोलिंग फॉर सम डिस्टेंस एंड देन कम टू रेस्ट थोड़ी देर के लिए तो वो बॉल मूव करता रहेगा लेकिन थोड़ी देर बाद आके वो रुक जाएगा Why? यू यूज अ फोर्स टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग बट वॉट स्टॉप डट किस वजह से वो रुका है इट्स स्लोड डाउन और इट्स स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर एग्जाम्पल इज वेन यू रब योर पार्म टूगैदर वट हैपन्स वट डू यू फील योर पार्म फील वॉमर वाई इज दिस वैन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर दे कॉज फ्रिक्शन ठीक है एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट जब आपने अपने हाथों को आपस में रगड़ा तो क्या हुआ हीट प्रोड्यूस हुई और आपको गर्माइश फील हुई दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ फ्रिक्शन तो दे आर डिफरेंट एडवाटिजेज़ एंड डिसएडवानटेज ऑफ फ्रिक्शन फ़्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान क्या है फ़ायदा ये है कि आपके शूज़ और ग्राउंड के दरम्यान में फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है अगर वो नहीं होगी तो आप स्लिप करोगे ठीक है और फ़ायदा क्या है कि वैन यू राइट विद अ पेंसिल वॉट हैपन्स देर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन योर फिंगर्स एंड द पेंसिल अगर नहीं होगी तो आपका हाँ पेंसिल आपके हाथ से स्लिप करेगी और आप लिख नहीं पाओगे फिर आप फ्रिक्शन देखते हो टायर्स और रोड के दरम्यान में ठीक है टायर्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि टायर्स और रोड के दरम्या में फ्रिक्शन हो और आपकी जो कार है वो ईजिली मूव कर सके ना कि वो स्लिप करती जाए ना देयर आर डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एज वेल ठीक है डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब कोई भी मशीन आपस में उसके पार्ट्स जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से रगड़ खाते हैं तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है मशीन और वो मशीन ख़राब हो सकती है ठीक है और डैमेज हो सकती है इसी तरह क्या होता है कि आपको Hmm, कोई भी चीज़ अगर इजीली स्लाइड करने जैसे अगर आप विंडो को ही स्लाइड करते हो अगर उनके दरम्या में फ्रिक्शन होगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इजीली स्लाइड नहीं करेगी तो अब डिफरेंट मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के वो क्या है आपको ये पता है कि जो स्मूथ सर्विसज़ होती हैं उनके दरम्या में लेस फ्रिक्शन होती है और रफ़ के अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन होती है ठीक है तो अगर आप किसी सर्विस को स्मूथ कर दोगे या उसको पॉलिश करोगे तो उसके दरम्यान में फ्रिक्शन कम हो जाएगी नाउ देयर आर डिफरेंट लुब्रिकेंट्स डेट आई यूज टू रिड्यूज़ फ्रिक्शन Uh, इस तरह ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है डिफरेंट मशीन्स के अंदर ताकि फ्रिक्शन को ख़त्म किया जा सके ठीक है फिर वो मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम वेयरिंग अवे ओके ना वॉट इज़ ग्रेविटी ग्रेविटी इज अ फोर्स विच पुल थिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर और द सेंटर ऑफ द अर्थ ये एक ऐसी ताकत है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है या ज़मीन अपनी तरफ जिन चीज़ों को खींचती है उसको एक वो ताकत होती है दैट इज नोन एज ग्रेविटी आपके आपको मैं इसके ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ़ यू ड्रॉप अ टी कप ग्रेविटी विल पुल इट डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर आपके हाथ से कप छूट गया गिर गया है तो क्या होगा कि जो अर्थ है ये द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट विल पुल दैट कप टू वर्ड्स इट सेल्फ आपको अपनी तरफ खींचेगा कप जमीन अपनी तरफ खींचेगी दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना चिल्ड्रेन देर आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज ठीक है बैलेंस्ड फोर्स अब आप इस एग्ज़ाम्पल में देखिए कि ये बंदा खड़ा है कैसे खड़ा है क्योंकि उसके खड़े होने का जो उसका वेट है जो नीचे की तरफ आ रहा है वो और जो नीचे से ज़मीन उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है ये दोनों बराबर है ठीक है ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं वेट एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग स्टिल और इज एट अ स्टेशनरी पोजिशन वॉट वुड हैपन और अगर वो वो कोई चीज़ अगर मूव कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से तो इसका ये मतलब है कि उनके जो फोर्सेज है आपस में वो बैलेंस्ड है और जो बैलेंस फोर्स होती है ना वो कोई मोशन वो चेंज नहीं कर पा सकती ठीक है इट डू नॉट कॉज अ चेंज इन द मोशन और फोर्सेस अनबैलेंस कब कब होती हैं जब कोई चीज़ मूव करने लग जाए मतलब अगर एक फोर्स ज़्यादा है दूसरी से तो वो चीज़ मूव करेगी ओके वो कैसे होगा कि व्हेन समवन मेक्स अ पैराशूट जंप? क्या होता है पैराशूट जंपिंग में दे आर पुल्ड रैपिडली टुवर्ड्स द अर्थ अगर कोई पैराशूट जंप करता है तो क्या होता है कि अर्थ जो है वो बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचती है उस बंदे को ठीक है क्य। क्योंकि उस वक्त जो है ग्रेविटी जो अर्थ की फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है लेकिन फिर क्या होता है दरमियान में फ्रिक्शन आ जाती है और वो रिजिस्ट करती है मतलब बीच में हवा आ जाती है यहाँ पर फोर्सेज अनबैलेंस हो जाती हैं इसी तरह क्या होता है कि जब पैराशूट ओपन होता है और आ, और आराम आराम से बंदा फिर नीचे ज़मीन की तरफ आता है ठीक है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है वाई दिस हैपन्स बिकॉज द एयर रेजिस्टेंस इज ग्रेट हेयर नाउ नाउ मैस एंड वेट डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट वॉट इज वेट वेट इज़ अ फोर्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स विच इज़ न्यूटन ठीक है वेट क्या है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना किसी चीज़ पे एक्ट करती है ठीक है दैट इज़ वेट और इसको आप किस चीज़ में मैयर करते हो न्यूटन में मैस क्या है इट इज़ द मयरमेंट ऑफ़ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट आपको पता है ना हर चीज़ जो है वो उसका एक मैस होता है और आप मैथ को किलोग्राम्स में मैयर करते हो विच इज़ एब्रीविएटेड एज के जी और मैथ uh, जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं होता लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका वज, वजन है हंड्रेड पाउंड्स ज़मीन पर लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो वहाँ आप वेटलेस हो जाओगे ठीक है वेट आपका चेंज होता रहेगा लेकिन आपका जो मैस है वो कभी भी चेंज नहीं होता ऑन द मून एंड एस्ट्रोनॉट्स बॉडी मैथ विल रिमेन द सेम बट हिज और हर वेट विल चेंज नाउ लेट्स डिस्कस सिंपल मशीन्स वट आर सिंपल मशीन्स सिंपल मशीन्स आर दोज मशीन्स विच मेक योर वर्क ईजियर And what is a compound machine? A compound machine is a machine in which two or more simple machines have been put together. See, these are all simple machines. They make your work easier. And this is a compound machine. When two or more machines work together, they make a compound machine. Look at this simple machine. This is an inclined plane. Okay? When you want to um, push something, विंग अवी लोड एंड यू वॉन्ट इट टू पुट इट ऑन सम हायर प्लेस वॉट वुड हैपन अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड ठीक है तो आप उसको रोल करके अगर ऊपर ले जाओगे तो वो आप इजिली उसको ले जा सकते हो ठीक है थीके? फिर इतनी एफर्ट अप्लाई नहीं होगी और जितना ये स्टीप आप इसको रखोगे ये जो रैंप है ये जो आपको नज़र आ रहा है अगर आप इसको स्टीप मतलब बहुत ऊंचा रखोगे तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होगी और अगर आप इसको एक लॉन्गर एक लंबा रैंप यूज़ करोगे तो आपको कम एफर्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी वजन ऊपर तक पहुँचाने के लिए सी द वे पुस्ड अंडर समथिंग टू इट और सेपरेटेड नॉट द सिजर्स दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल काइंड ऑफ मशीन ना लीवर्स आर ऑल्सो सिंपल मशीन्स ठीक है अब देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लीवर अब इसमें आप देखोगे कि एफर्ट एक जगह पे अप्लाई हो रही है ठीक है सीजर्स में क्या होता है कि एफर्ट फोर्स एट वन एंड द पिविट इज़ इन द मिडल पिविट क्या होता है पेविट इज द टर्निंग पॉइंट आप इसको कहते हो या फलक्रम कहते हो या सेंटर कहते हो ठीक है वो दरम्यान में होगा और लोड जो होता है वो एंड में होता है फर्स्ट काइंड में इसमें आप देखिए सेकेंड ग्रुप ऑफ लीवर में क्या होता है इट इंक्लूड्स व्हील बैरो दिस इज़ अ व्हील बैरो एफर्ट फोर्स आप एक एंड से अप्लाई कर रहे हो पेविट जो है वो दूसरे एंड पे है और लोड जो है वो आप दरमियान में रखते हो ठीक है और थर्ड ग्रुप में क्या होता है एफर्ट जो है वो आप मिडल में अप्लाई कर रहे हो ठीक है और जो एफर्ट फोर्स है एफर्ट um, फोर्स जो है वो लोड और पिविट के मिडल में है ठीक है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफर्ट जो है वो ज़्यादा है लोड से इसलिए और दोनों तरफ जो है पेवेट एक साइड पे है लोड दूसरी साइड पे दिस इज़ द थर्ड ग्रुप ऑफ लेवर ओके चिल्ड्रन आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू हैव टू कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑन योर बुक्स ओके नो नीड टू डू ऑल दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोट बुक्स जस्ट डू इट ऑन योर बुक्स विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल ओके यूज़ अ पेंसिल डू नॉट यूज़ पेन ऑन योर बुक्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे अल्लाह हाफिज़